सो है दे बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का वीडियो कोई भी पोकेमोन या फिर अदर एनिमे के रिलेटेड नहीं होने वाला है, बल्कि आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मैं YouTube से क्यों क्विट कर रहा हूँ। और इसके बारे में मैंने अपनी Instagram स्टोरी पे पहले ही बता दिया था, और काफ़ी ज़्यादा बंदों जो कि मुझे Instagram फॉलो कर चुके हैं उनको पता होगा इसके बारे में। और इस वीडियो में फुल्ली एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मैं YouTube से क्यों क्विट कर रहा हूँ, साथ ही एक रीज़न बताने के साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि अगर मुझे YouTube को कंटिन्यू रखता है तो आपको क्या करना होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। और अगर हम बात करें कि मैं YouTube को क्यों छोड़ रहा हूँ, मीन्स मैं YouTube को क्यों क्विट कर रहा हूँ, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है फैमिली सपोर्ट। बिकॉज मैं अभी 12th क्लास में आया हूँ और मुझे स्टडीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है बिकॉज टॉपर बेंच का हूँ। और इसीलिए मैंने जब अभी क्वारंटीन पीरियड स्टार्ट हुआ, मीन्स लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तब मैंने फैमिली से रिक्वेस्ट करके यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया। और इससे पहले मैं उनको बताया कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर आपको कुछ ना कुछ अर्निंग्स दूंगा या फिर अच्छी खासी चैनल की ग्रोथ मुझे मिल जाएगी। और इसीलिए उन्होंने मुझे यूट्यूब को स्टडी के साथ स्टार्ट करने दिया। लेकिन अभी इस चैनल को स्टार्ट किए हुए लगभग 3 महीने हो चुके हैं और इनमें हमने 1.1K प्लस की फैमिली अचीव कर ली है, जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्राउड मोमेंट है। और लेकिन फैमिली को अभी मुझे चैनल को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है बोल रही है, और साथ ही मैंने उनको अर्निंग्स के बारे में बोला था, इसीलिए वो बोल रही है कि यहाँ पे सिर्फ टाइम वेस्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं मिल सकता, इसीलिए वो चाहती है कि मैं यूट्यूब को छोड़ दूँ और यूट्यूब को क्वाइट कर दूँ। लेकिन मुझे पता है कि आप सभी 1.1K प्लस फैमिली काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए मायने रखते हो, लेकिन फैमिली को लगता है कि यहाँ सिर्फ टाइम वेस्ट है, कुछ भी अर्निंग्स नहीं होगी या फिर यहाँ पे कुछ भी फ्यूचर नहीं, यहाँ पे सिर्फ स्टडीज़ को इफेक्ट होने वाला है और स्टडीज़ ख़राब होने वाली है। लेकिन मुझे पता है कि आप जैसी फैमिली मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देंगी, और फैमिली से मैंने ये बात की कि अगले 1 महीने या फिर 1.5 महीने तक मैं यूट्यूब को कंटिन्यू रख सकता हूँ, यानी मैक्स टू मैक्स मैं नवंबर तक यूट्यूब को कंटिन्यू रख सकता हूँ। अगर आपने इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मैं यूट्यूब को आगे भी कंटिन्यू रखूँगा, और इसके अलावा मैं आपको अगले नवंबर तक काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। इसीलिए हमारे चैनल को ज़रूर से सपोर्ट करना और अपने फ्रेंड के साथ हमारे इस चैनल को शेयर करना, और साथ ही हमारे जो भी वीडियोस हैं उनको फुल वॉच करना ताकि हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो और यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम यानी मोनेटाइजेशन के लिए हम अप्लाई कर पाएं। और इसके अलावा हमारे चैनल के वॉच टाइम को कंप्लीट करने के लिए मैं हर वीक में 2 या 3 लाइव सेशन भी रखने वाला हूं, जिनमें अगर आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे और लाइव सेशन में मेरे साथ कनेक्ट होंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा वॉच टाइम मिलेगा। और इसीलिए मैं इनके बारे में सबसे पहले अपडेट दूंगा अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में कि मैं कब अपना लाइव सेशन स्टार्ट करने वाला हूं। और अभी तक मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो कर, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहां पे मैं अपनी लाइव सेशन के बारे में अपडेट देने वाला हूं, और मैं आपको नवंबर तक काफी ज्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की भी कोशिश करूंगा। और मुझे सिर्फ आपका अच्छा सपोर्ट चाहिए, और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना हर वीडियो को, और अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड के साथ हमारे चैनल को जरूर से शेयर कर देना ताकि हम अपने यूट्यूब की जर्नी को कंटिन्यू रख पाए और जल्द से हमारे 10K का माइलस्टोन अचीव करवा दो। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। और मिलते हैं पोकेमोन के रिलेटेड अमेजिंग कंटेंट में। अंटिल देन, दिस इज पोके स्वॉर्ड साइनिंग आउट। बनूंगा मैं इतना जबरदस्त, ना कोई हो जितना, पकड़ना उनको मेरी परीक्षा, सिखाना लक्ष्य मेरा।